मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। इसे उत्तर भारत समेत कई राज्यों में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी का प्रसाद बनाते हैं, वहीं पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही दान की परंपरा भी है। हर साल इस त्यौहार को 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है, लेकिन ग्रहों के बदलाव या उदया तिथि के अनुसार अक्सर 14 और 15 जनवरी को लेकर लोगों के बीच कन्फ्यूजन रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी 2023 को रात 8:14 पर सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे और इस गोचर के बाद ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है और स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू होकर शाम के 5:46 तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल मुहूर्त सुबह 7:15 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस मुहूर्त में दान पुण्य करना बेहद ही शुभ माना जाता है। धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है और इस दिन यदि स्नान के बाद दान किया जाए तो इसका कई गुना अधिक फल मिलता है। यह दिन बेहद ही शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलन करते हैं और इस दिन शुक्र ग्रह का भी उदय होता है। इस दिन स्नान करते समय काले तिल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही कुंडली में मौजूद ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार 14 जनवरी के दिन रेवती नक्षत्र है और 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग व राजपद योग का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल प्रातः 5:43 से शाम 6:56 तक रहेगा। वहीं यह महापुण्यकाल सुबह 5:43 से 7:55 तक रहेगा, जिसकी अवधि 2:12 की होगी। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाई जाती है और इस दिन पीले रंग की चीजों का दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन किसी जरूरतमंद को गुड़, तिल अथवा चना दाल का दान अवश्य करें। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन भर लाभ मिलता है व उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा देश के कई भागों में है, इसलिए इसे खिचड़ी पर्व भी माना जाता है। लेकिन एक मान्यता यह है कि रविवार के दिन खिचड़ी खाने से गरीब होते हैं। ऐसे में जब मकर संक्रांति पर 15 को मनाएंगे तो रविवार को खिचड़ी कैसे खाएंगे? इसके लिए एक उपाय यह है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति शाम में लग जा रही है, ऐसे में दोपहर के बाद से संक्रांति मान्य हो जाएगी। इसलिए 14 जनवरी को 12 के बाद खिचड़ी बनाकर कुल देवी देवता को खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं और खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इससे शनि दोष भी आपके कटेगा और खिचड़ी की परंपरा भी निभा पाएंगे। 15 जनवरी को तिल गुड़ खाना उत्तम रहेगा, इससे सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी होगी और सूर्य के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। मकर संक्रांति पर गंगा अथवा पवित्र नदियों में डुबकी लगाना चाहिए अथवा जल में तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र और कंबल दान करना चाहिए, बहुत फलदायी माना जाता है। इससे शनि देव का प्रतिकूल प्रभाव दूर होता है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू दान किए जाते हैं। इस दिन उड़द की दाल खिचड़ी दान करने और खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। इससे सूर्य और शनि की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ में लाल पुष्प, वस्त्र, गेहूं, अक्षत और सुपारी डालना चाहिए। सूर्य इस दिन उत्तरायण होते हैं और स्वर्ग द्वार खुलता है, इसलिए इस पूजा का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में नित्य तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने का वाला पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है।
अगर पूरे महीने तिल से नारायण की पूजा नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर भगवान के सामने प्रार्थना करें कि जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति प्रदान करें। मकर संक्रांति पूजा के बाद प्रसाद अवश्य पावें। इस दिन श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे बड़ा ही उत्तम माना गया है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद तिल, उड़द दाल, चावल, गुड़, सब्जी, कुछ धन और अगर संभव हो तो वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ऐसा शास्त्र में कहा गया है, यह बहुत फलदायी होता है, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रामायण काल में भी भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चल आ रहा है। श्री राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भगीरथी सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भगीरथी तप साधना के परिणाम स्वरूप पापनाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथी ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथी के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति का पूर्ण कुंभ तथा अर्घ कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा जाता है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, ग्रह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। अच्युतम केशवम रामनारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।